हेलो एवरीवन। तो अपने लास्ट लेक्चर तक में ये बात कर ली थी कि बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद अपन ने सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर पढ़ा था, फिर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट देखे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चेक कर लिया था, और लास्ट इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली मोल कंसेप्ट की, बेसिक मोल होता क्या है और कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी केस में मोल से ही आएगा, और जब मोल कैलकुलेट करना आएगा तो ही आगे वाले लेक्चर में आप जो है वो क्वेश्चन के साथ डील कर पाओगे, अदरवाइज जो है वो अटक जाओगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मोल होता क्या है, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर बोले तो मोल जो है ना वो एक मैस का वर्ड है, ठीक है, केमिस्ट्री से तो कोई लेना देना ही नहीं है, केमिस्ट्री के तो बस उसके साथ कुछ सिम्टम मैं जोड़ दूंगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये केमिस्ट्री का बन गया, अदरवाइज तो ये केमिस्ट्री का है ही नहीं, ठीक है। मोल इज ए नंबर है, ये मैस का क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे अगर 12 पेन होते तो अपन बोलते ना एक दर्जन हो गया, 144 पेन होते तो अपन बोलते वन ग्रॉस हो गया, 12 दर्जन इज इक्वल टू वन ग्रॉस। तो इसी टाइप से एक नंबर होगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मोल है क्या। मोल है क्या बेसिकली, ठीक है, अपन इसकी बात करने वाले। तो देखो फर्स्ट नंबर अगर मैं पॉइंट की बात करूं, मोल इज द मेजरमेंट ऑफ, ऐसे बोल सकता हूं, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। आपने सेवन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े होगी, सेवन एसआई यूनिट्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, 11th वगैरह क्लास में, तो अपन बोलते हैं सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट होती है, उसमें अमाउंट जो रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, मोल से। तो मैंने लिखा मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है जो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं उनके लिए अपन ये काम में लेते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर, सेकेंड नंबर पॉइंट डेफिनेशन। मोल इज दी क्वांटिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। मोल एक क्वांटिटी है, मोल इज द क्वांटिटी है या मोल एक नंबर है जो किसके इक्वल होगा, C12। बेटा कार्बन 12 का मतलब ये हो गया कि कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं ना, 12, 13, 14, इसमें से रेफरेंस किसको लिया है मैंने, C12 के। तो C12 के क्या लिखा मैंने, C12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, वन मोल बोलेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10^23 एटम होंगे, और इस नंबर को जो है वो अपन एवोगाड्रो नंबर और सिंबल होता है इसका Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब ऐसा बोल दूं कि वन मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 6.02 इंटू 10^23 नंबर के इक्वल होगा, और जिसे अपन क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर, Na बोलेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा 6.02 इंटू 10^23, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर, Na बोलेंगे, ठीक है बात। चलो यहां तक अपनी बात हो गई, ये बेसिक मोल की डेफिनेशन की बात हो गई है, ठीक है।
ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। इसके अंदर तीन कंसेप्ट सीखने बेटा अपन को, तीन कंसेप्ट सीखेंगे अपन, उन तीन कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। क्या देखो, फर्स्ट नंबर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोलूंगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज इक्वल टू एन ए, या फिर 6.023 इंटू 10^23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज इक्वल टू एन ए और 6.023 इंटू 10^23। ये एक कंसेप्ट हो गया, यहीं से लेके आया हूं मैं। वन मोल इक्वल टू देख लो 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, यहीं से ये कंसेप्ट लेके आया अपन, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, ये अपना बेसिक कंसेप्ट हो गया, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इज इक्वल टू एन ए और 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, ये अपना बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब जैसे अगर मेरे को ऐसा बोले वन मोल पेन है, मान लिया ऐसा बोल दिया, ठीक है। वन मोल का मतलब क्या, कितना नंबर होता है, एन ए नंबर होता है। वन मोल इक्वल टू एन ए नंबर, मोल के जस्ट बाद में क्या लिखा मैंने, पेन लिखा, तो एन ए के बाद में भी क्या लिख दो, पेन्स लिख दो, एन ए पेन्स हो गया। अब केमिस्ट्री में पेन्स वगैरह तो पूछे जाएंगे नहीं, क्या पूछा जाएगा, एटम। तो जैसे मैंने बोला वन मोल एटम है, तो वन मोल का मतलब हो गया एन ए और पीछे लिख दिया मैंने एटम, ठीक है। अगर ऐसा बोला वन मोल क्या है, प्रोटोन है, तो मैं क्या करूंगा, Na और लिख दूंगा प्रोटोन। बात आ रही समझ में, ठीक है, ये जनरल लिया गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा। ये एक इक्वेशन है वन मोल इज इक्वल टू Na, ये एक इक्वेशन है वन मोल इज इक्वल टू Na, ये एक इक्वेशन है। जैसे ये इक्वेशन उसी टाइप से है कि वन पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज, वन पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बताओ 4 पेन लेके आने हैं आपको, तो उसकी प्राइस कितनी होगी। तो आप बोलोगे 1 पेन इक्वल टू 10 रुपीज है, तो 4 पेन इज इक्वल टू 40 रुपीज, एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मैंने अगर आपको 60 रुपीज दिए तो बताओ कितने नंबर ऑफ पेन आएंगे। तो आप बोलोगे 10 रुपीज इक्वल टू 1 पेन, 1 रुपीज इक्वल टू 1/10 और 60, इसलिए 1/10 इंटू 60 इज इक्वल टू 6 पेन। जो कैलकुलेट करना है बेटा उसको राइट हैंड साइड में रखना, आपको ये ध्यान रखे। बेसिकली मैथ्स की ये बेसिक इक्वेशन है, 8, 9, 10 में अपन पढ़ते हैं। जो कैलकुलेट करना है उसे कौन सी साइड में रखे, राइट हैंड साइड में रखे। बात क्लियर। तो देखो ये एक इक्वेशन है, तो मैंने इसके ऊपर जैसे सिंपल से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करूं तो ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख ले अपन, ऐसा बोला जा सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1.5 मोल, ठीक है। बड़ा जनरली एक बात ये भी ध्यान रखें, मैं 6.023 नहीं लूंगा हर बार, मैं 6 ले लूंगा, ठीक है ना, रफली आइडिया के लिए 6 × 10^23, 0.023 ये अपन नहीं लेते जनरली, ठीक है। एग्जाम में आएगा उस समय देख लेंगे, ठीक है। अपन को मेन डिजिट पकड़ना है कि 6 है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1.5 मोल अगर जैसे मेरे को बोला, तो उस समय मैं क्या करूंगा, मेरे को मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है Na, तो 1.5 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Na कार्बन एटम, Na इंटू 1.5 कार्बन एटम्स। चलो Na की वैल्यू पुट कर दो, अगर 1.5 Na है तब तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं है वैल्यू दे रखी है तो 6 × 10^23 और मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 9 × 10^23 कार्बन एटम्स, ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ऑल क्लियर। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो इसका, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे को, अगर जैसे सपोज करो ऐसा दे रखा है 1.5 × 10^20 CO2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, ये पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बार कैलकुलेट क्या करना है, मोल, मोल कैलकुलेट करना, तो राइट हैंड साइड में किसको रखूंगा, मोल को रखूंगा। तो देखो
मेरे को मालूम है एनए का मतलब 6 × 10⁻²23 अगर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, यही बात है 1 मोल। कितने मॉलिक्यूल होंगे अगर 1, तो कितना मोल हो जाएगा 1 / 6 × 10⁻²23, और कितने हैं 1.5 × 10⁻²20, तो कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻²20 / 6 × 10⁻²23, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं इस टाइप का आंसर दे रखा हो, इस टाइप से दे देगा, 0.25 मिलीमोल भी बोल सकता है, तो आपको ध्यान रहे कि हाँ कैसा आएगा, ठीक है बात। यहां से देखो मैंने मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आया, ये तो मेरे को पार्टिकल गिवन थे, डिवाइड किससे किया मैंने, एन ए से, यही तो हुआ, यही तो हुआ 1.5 × 10⁻²20 / 6 × 10⁻²23 ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए, ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला अपना बनाया मैंने, देखो डायरेक्ट नहीं लिखा है आपको, ये फॉर्मूला अपना बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए। अब जैसे सपोज करो आपको पार्टिकल कैलकुलेट करना था, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो पार्टिकल कैलकुलेट करना तो मोल इंटू एन ए कर लो, ये लो पार्टिकल दे रखा है, मोल कैलकुलेट करना तो पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए कर लो, आ जाएगा मोल। समझ में आ रही बात, पहला कंसेप्ट क्लियर, फर्स्ट फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, इसका सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट सेकंड, क्या है कंसेप्ट सेकंड, देखो मास ऑफ 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एटम है तो एटॉमिक वेट ऑब्लिक मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट, और यूनिट क्या लगानी है, ग्राम। मैंने आपको एटॉमिक मास लिखाया था, मॉलिक्यूलर मास लिखाया था, लेकिन यूनिट नहीं लिखाई थी, मैंने बोला बाद में समझाऊंगा। तो अगर अब 1 मोल कभी भी लिखा हुआ आए, 1 मोल कभी भी लिखा हुआ आए, तो एटॉमिक वेट पहले लिखाए हुए थे वो काम में लेने, और पीछे यूनिट क्या लगाओगे, ग्राम लगा दो, क्या यूनिट लगाओगे, ग्राम लगा दोगे। तो मास ऑफ 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे को अगर ऐसा बोला जाए मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो मैं बोलूंगा कार्बन का एटॉमिक वेट बोलो 12, और यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम। अगर जैसे किसी ने ऐसा बोला कि मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैं सिंपल सा ये बोलूंगा कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 100, पीछे यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्या क्वेश्चन बनेगा, मास ऑफ 0.002 मोल हीलियम, ये पूछा गया मास ऑफ 0.002 मोल हीलियम, जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड में रखे, है ना। तो 1 मोल अगर हीलियम होता तो इसका मास कितना होता, 4 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना लिखवा रखा है, 4। तो अगर 1 मोल होता तो हीलियम का एटॉमिक मास होता 4, तो मैंने लिख दिया 4 ग्राम, ठीक है बात। अब अगर 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम होता तो मेरे को तो मोल दे रखा है 0.002 मोल, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 × 0.002, तो ये कितना हो जाएगा 0.008 ग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है बात। दूसरा क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स इन 2.84 मिलीग्राम
Na2SO4 इस टाइप से दे रखा है। 2.84 मिलीग्राम Na2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इस बार मोल कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में रखें, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 142, इसका मतलब 142 ग्राम होगा तो 1 मोल हो जाएगा। अपन ऐसा लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 142, तो मैंने कैलकुलेट करना है इस बार मोल, तो उसको रख दिया मैंने राइट हैंड साइड में और 142 को रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 142 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 142 और 2.84 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने मोल हो जाएंगे, 1 अपॉन 142 इनटू 2.84 इनटू 10^-3, ये मोल आ जाएगा। मिलीग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, 10^-3 ग्राम, ठीक है। ये देखो कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ गया, इसका मतलब 0.02 इनटू 10^-3 मोल आया, इसका मतलब 2 इनटू 10^-5 मोल हो जाएगा, 2 इंटू 10^-5 मोल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि मोल्स का एक फॉर्मूला और आया कैलकुलेट करने का, देखो क्या, ये 2.84 इंटू 10^-3 मतलब 2.84 मिलीग्राम ये मास था, तो ये गिवन मास हो गया। गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाई आपने क्या किया, 142 से डिवाइड किया, 142 क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, तो एटम्स हो तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, तो मोल का एक फॉर्मूला और आ गया, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बात। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को वापस समझ लो, इस वाले क्वेश्चन में मोल दे रखा, मास पूछा है तो ये रहा मोल, और मास पूछा है तो मोल इंटू एटॉमिक वेट कर दो, ये किया था मैंने, देखो मोल इंटू एटॉमिक वेट। सेकेंड वाले क्वेश्चन में मास दे रखा था तो ये मोल पूछा है, मास दे रखा है, डिवाइड बाय क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा, मोल आ जाएगा, सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो केस नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल एट एनटीपी इस 22.4 लीटर, या लीटर नहीं पूछे तो एमएल में देना है, तो ये हो जाए, थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल। बड़ा ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो गैस होनी चाहिए, सेकंड नंबर ये कंडीशन होनी चाहिए एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कई एसटीपी लिखा है, एनटीपी एसटीपी मोल में अपन सेम ही कंसीडर करेंगे, तो एनटीपी लिखा हुआ हो मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड 1 एटीएम होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम होगा तो 22.4 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 22.4 लीटर आ जाएगा। चले आगे, ये भी इसका बेसिक एक लॉजिकल बात हो गई, लॉजिकल बात ये हो गई, ठीक है। अब सुनना बात को, सुने बात को, अब इसके ऊपर जैसे मैं लिखा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, समझना बात को, मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट एनटीपी, आपने कहा 22.4 लीटर, सही स्टेटमेंट है, 1 मोल CO2 गैस होती है, एनटीपी पे 22.4 लीटर, मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वॉटर एट एनटीपी, आपने बोला वॉटर है एनटीपी है, गलत है, क्यों गलत है, गलत इसलिए वॉटर है ये, वेपर नहीं बोला है, अगर वेपर बोलता तो 22.4 लीटर होता, वॉटर के लिए लगे ही नहीं ना, लगता किसके लिए, ये गैस के लिए, वॉटर इज ए लिक्विड नॉट ए गैस, ठीक है बात। थर्ड नंबर देखो, मेरे को ऐसा बोल दिया वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हीलियम, मैंने लिख दिया 22.4 लीटर, बोलो सही है या गलत है, सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, क्यों गलत है, कंडीशन नहीं दे रखी है, एनटीपी है या नहीं ये नहीं दे रखा है, और जब तक कंडीशन नहीं हो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, वॉल्यूम चेंज होता है पीवी इक्वल टू
एनआरटी वाली कंडीशन से। बात क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको वॉल्यूम ऑफ वन मोल सीओ टू और किस टाइप से टैकल करना है। अब देखते हैं अपन इसके ऊपर सिंपल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वॉल्यूम ऑफ वन मोल एन टू गैस, सॉरी वन मोल मतलब को 1.25 मोल एन टू गैस एट एनटीपी, ये कैलकुलेट करना है आपको। आप क्या बोलोगे? सिंपल सा आप ये बोलोगे कि वन मोल गैस होता है एनटीपी पे तो कितना होता है 22.4 लीटर, 1.25 मोल है तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.25 लीटर, ये हो जाएगा 28 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 लीटर हो जाएगा। कोई डाउट ना? चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर मेरे को ऐसा दे दे वॉल्यूम ऑफ सीओ टू गैस एट एनटीपी इज 56 ml, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऐसा पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो मैं क्या करूंगा, इस बार 56 ml दे रखा है, ml दे रखा तो ठीक है, मैंने तो दोनों कंडीशन लिखा रखी है 22.4 लीटर हो या फिर 22,400 ml हो। मोल कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड साइड में रखना है, ये बात क्लियर रहे। तो अगर 22.4 लीटर होता या 22,400 ml होता तो नंबर ऑफ मोल होता 1, 1 ml होता तो मोल हो जाता 1 डिवाइड बाय इतना, और 56 ml है तो ये इतना हो जाएगा कितना, 56 डिवाइड बाय 22400, ये हो जाएगा कितना बोलो, कितना हो जाएगा बताओ, 1/400 मोल हो जाएगा, 1/400 मोल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक मैं मोल का और फॉर्मूला देने वाला हूं। ये था वॉल्यूम गिवन एनटीपी पे, डिवाइड किससे किया, 22,400 से, है ना। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, मोल का एक फॉर्मूला और आने वाला है, गिवन वॉल्यूम लीटर में मान लो एट एनटीपी होना चाहिए, डिवाइड बाय 22.4, ये मोल का थर्ड फॉर्मूला है, ये मोल का थर्ड फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे इन्हीं दोनों क्वेश्चन को वापस देखो, अगर अपन से पूछ ले, अगर अपन से पूछा जाए, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1.25 मोल, ये 1.25 पुट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 22.4 तो गिवन वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में 56 ml दे रखा है, ये 56 लिख दो इनटू 10^-3 लीटर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 22.4। बात आ गई समझ में? बात क्लियर सारी? ये तीन बेसिक इसके कंसेप्ट हो गए, ये मोल, बेसिक मोल कैलकुलेट करने का आइडिया ये। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है जनरली, ये तो बस मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया, हाँ ये ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, इनका यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, तो अपन को क्या है, बेसिक क्वेश्चन तो कुछ और पूछा जा रहा है, उसमें मोल तो बस एक लाइन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ये आपको बता दी, ठीक है। तो अब देखो तीनों फॉर्मूलों को मैं समराइज कर रहा हूं एक साथ, मैं तीनों फॉर्मूलों को समराइज कर रहा हूं। दो समराइज कैसे होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई क्या था एन ए, मोल इज इक्वल टू क्या था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो वो भी मोल है तो इसका इक्वल कर दो, गिवन मास इन ग्राम में होना चाहिए अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। और अभी एक फॉर्मूला और बताया, गिवन वॉल्यूम
इन लीटर एट एनटीपी डिवाइड बाय 22.4। तो ये पूरा एक जो है वो मोल एक लाइन में आ गया, ये पूरा मोल कंसेप्ट जो है वो एक लाइन में आ गया, ये लो ये पूरा मूल कंसेप्ट एक लाइन में आ गया, जो अभी तक पूरा बताया था वो समराइज होके एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे, दो ही क्वेश्चन करवाते इसके ऊपर, नंबर ऑफ एफई एटम इन 560 ग्राम आयरन। अब मोल कैलकुलेट करने का तो था ही नहीं, ये मोल कैलकुलेट करने का है नहीं, लेकिन होगा मोल से। एक तो मैं ये कर सकता हूं, एफई एटम कैलकुलेट करना है ना, तो बाद में देखेंगे 560 ग्राम आयरन दे रखा है, तो एक तो देखो इसका मेथड ये हो सकता है। फर्स्ट मेथड देखो कैसे कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड 560 ग्राम दे रखा है तो मैं मोल कैलकुलेट कर लूं। कैसे मोल कैलकुलेट करूं, गिवन मास अपॉन एफई का एटॉमिक मास कितना होता है 56, 10 मोल आ गया। अब पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एनए होता है, ये लो ऐसे कर लिया, मोल की वैल्यू है 10, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 10 इंटू एनए। वैल्यू चाहिए तो 6.023 इंटू 10 रेस टू द पावर 23, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 रेस टू द पावर 24 एफई एटम्स हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया है ना, मोल को मैंने क्या बनाया, इंटरमीडिएट बनाया। कोई जरूरी नहीं है मोल को इंटरमीडिएट बनाया। सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, आपको कैलकुलेट क्या करना है, पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम मींस पार्टिकल कैलकुलेट करना है। देख क्या रखा है, मास दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को आप क्या कर ले, इक्वल होता ही है, इसका यूज कर लो। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो गिवन पार्टिकल मेरे को कैलकुलेट करना है, पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, डिवाइड बाय एनए इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 560 ग्राम डिवाइड बाय 56, ये कितना बन जाएगा 10, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम जो आएगा, नंबर ऑफ एटम देखो 10 एनए आ गया, सीधा एक ही लाइन में काम होता है। आपको मोल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, देखो सीधा आ गया 10 एनए। बात आ रही समझ में, बोलो हाँ या ना, आ रहा है ना समझ में, बस ये करना है पार्टिकल इज इक्वल टू 10 एन। ठीक है, व्यवस्थित है मामला, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले मेथड को अपन प्रीफर करेंगे, चेक कर लो कौन सा होगा, है ना। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, बाकी आपको प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल वगैरह में से। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी volume of CO2 gas at NTP of 13.2 gram CO2, 13.2 gram CO2 है, उसका NTP पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। 13.2 ग्राम CO2 है, उसका आपको वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इस बार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, वॉल्यूम और मास का आ गया, इसका मतलब ये वाला अप्लाई करें, ये वाला अप्लाई कर दे फिर, चलो करो। मास, गिवन मास 13.2 अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 इज इक्वल टू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसमें आएगा लीटर में, डिवाइड बाय 22.4, ये डिवाइड करो ये 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा तो वॉल्यूम देखो कितना आ जाएगा, 6.72 लीटर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा ना ये, ठीक है 6.72 लीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ये बेसिक बात हो गई अपनी, किससे रिलेटेड, मोल से रिलेटेड अपनी बेसिक बात हो गई है कि हाँ मोल कैलकुलेट कैसे करना है, इंटर कन्वर्जन कैसे करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो प्रॉब्लम तो कैसी भी आ सकती है, तो कैसी भी प्रॉब्लम आए तो उनको कैसे टैकल करना है, मैं आगे और पार्टिकल को इसको और आगे बढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट को। ठीक है चल, अब अपन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है वो एक ही फ्लो में चलेंगे अपन, है ना। जैसे सबसे पहले अपन फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, जो मोल में फंडामेंटल पार्टिकल्स बनेंगे। जैसे मेरे से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए,
कैलकुलेट द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसा पूछा गया। तो कोई बात नहीं, अपन को तो मालूम है ना चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो 1.6 × 10⁻¹⁹, बोलो 1.6 × 10⁻¹⁹ बोलो, ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बात, अब आ गया हो मेरे को वन मोल, वन मोल का मतलब क्या, कितने पार्टिकल होते हैं वन मोल में, एन ए, कितने होंगे एन ए इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, ये लो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 96500 कूलॉम आएगा, कितना आएगा 96500 कूलॉम अप्रोक्सीमेट। इस 96500 कूलॉम को ये अपन क्या बोलते हैं, वन फेराडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम, ये होता है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन फेराडे का एफ, या फिर अगर कूलॉम में पूछ लिया जाए तो 96500 कूलॉम हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है ना, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 96500 कूलॉम हो जाएगा, बोलो डाउट है या नहीं, बात क्लियर सारी। चले अब आगे इसके ऊपर और अपन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे अगर मैंने ऐसे पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया आपको, अभी वो चार्ज के ऊपर ही बात करेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया सिंपल सा, 0.2 मोल मेरे पास कैल्शियम प्लस 2 आयन है, बोला बताओ चार्ज कितना है। एक बात बोल, ये 0.2 मोल वहां पे चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, इसको मत याद रखो आप, अपन तो एक लॉजिकल बात बताएंगे, एक लॉजिकल बात बताने वाला हूं क्या, अगर जैसे एक कैल्शियम एटम होता, एक कैल्शियम प्लस 2 आयन होता तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दो, प्लस 2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए ना, जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कंसीडर होगा। अगर माइनस है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन आए और प्लस 2 इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन गए, तो चार्ज तो किसकी वजह से डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो हुआ है। तो मैं ऐसा बोल दूं वन कैल्शियम प्लस 2 आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, बोलो हाँ या ना। अगर ये वन मोल होता तो देखो इधर वन मोल लिखा तो इधर मैं लिख देता 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, 1 फेराडे के, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होगा, 2 फेराडे के, ये समझ में आ गया। तो 1 मोल अगर कैल्शियम प्लस 2 आयन होगा तो 2 फेराडे का चार्ज होगा। तो आप तो इसको भूलो, कैल्शियम के ऊपर प्लस 2 लिखा हुआ इसका मतलब 2 फेराडे हो गया, अब ये ध्यान रखना है, सीधा लॉजिकल बात ऐसे हो गई, बात समझ में आ रही है, 1 मोल कैल्शियम प्लस 2 होगा तो 2 फेराडे। तो अब मैंने तो ये प्रूव करके बताया, अब आपको प्रूव नहीं करना हर बार, आप तो ये सोचो 1 मोल होगा तो प्लस 2 चार्ज है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल में बात चल रही है इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल का मतलब 2 फेराडे। मेरे को कितना दे रखा है 0.2 मोल Ca प्लस 2, तो 0.2 दे रखा है तो 2 × 0.2 फेराडे इज इक्वल टू 0.4 फेराडे, समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आ सकता है, या तो यहां पे नंबर दे रखा होगा, मोल नहीं दे नंबर दे रखा होगा, या क्या दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, इस टाइप से देगा, जैसे एक मास का भी क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है बात। चलो मास से रिलेटेड बता देते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, चार्ज ऑफ 5.4 ग्राम NH4 अमोनियम आयन ये दे रखा है, ठीक है। तो मैंने तो एक लॉजिकल बात ये बोलने वाला हूं, अगर 1 मोल अमोनियम होता तो चार्ज कितना होता, प्लस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक मोल की बात चल रही है तो वन फेराडे हो जाएगा। अभी वो मेरे पास मोल नहीं है, इस बार क्या है 5.4 ग्राम है, तो आप पहले साइड में क्या करो,
मोल कैलकुलेट कर लो इस टाइप से, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना आ गया 0.3। ये मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा 0.3 आएगा। बात समझ में आ रही है? ये 0.3 मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आगे बात, तो 0.3 मोल अगर अमोनियम आयन होगा तो 0.3 फेराडे हो जाएगा, है ना। तो ये चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप ऐसे टैकल करना है। बात समझ में आ गई? प्लस वन दे रखा है इसका मतलब वन मोल का चार्ज 1 फेराडे होगा, माइनस टू दे रखा है तो -2 फेराडे। जो भी दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, प्लस वन दे रखा हो, प्लस टू दे रखा हो, प्लस 10 दे रखा हो, इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 10 फेराडे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चले आगे। तो ये चार्ज से रिलेटेड मैंने आपको 3 प्रॉब्लम करवा दी। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड बात चल रही है, अपन चेक करते हैं। देखो क्या ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। पहले तो आप क्वेश्चन को समझे है क्या। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 1 किलोग्राम वेट के इलेक्ट्रॉन में, 1 किलोग्राम अगर वेट लिया जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। मैं तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करने वाला हूं। अपन को दे रखा है 1 किलोग्राम, क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, किनका दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब कुछ लोग अगर इसको ऐसे करने वाले हैं, अच्छा मास दे दिया 1 kg, तो देखो 9.1 × 10⁻³⁻³ से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, क्योंकि गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, नॉट ए 1 मोल, तो गलत हो जाएगा पहली बार में, ठीक है ना। तो करना कैसे अब, तो मैंने कहा देखो बेसिक लगाओ। अपन को मालूम है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। इस बार मेरे को मोल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है। अगर मैंने नंबर कैलकुलेट कर लिया, अगर मैंने नंबर कैलकुलेट कर लिया तो मोल तो कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सुनो बात को, इधर मैं क्या करता हूं, नंबर कैलकुलेट करना तो उसको राइट हैंड साइड में रखे फिर, तो 9.1 × 10⁻³⁻³ kg होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 kg होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 upon 9.1 × 10⁻³⁻³ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स आ गया, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। अगर पार्टिकल आ गया, मोल कैलकुलेट करना है तो मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एनए, एनए कितना 6.02 × 10⁻²³। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁸ डिवाइड बाय 9.1 × 6.02 इतने मोल आ जाएंगे। ये प्रीवियस जेई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें इसी फॉर्मेट में पढ़ा था 10⁻⁸ डिवाइड बाय 9.1 × 6.02, इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पढ़ा था। बात समझ में आ गई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। चले आगे और देखो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, ये दे दिया जैसे, है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अपन ने कहा कि एक प्रोटॉन का मास बताओ पहले, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मैंने कहा 1.672 × 10⁻²⁷ kg होता है, चलो तो मास ऑफ 1 मोल बताओ कितना होगा, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन जो होगा ना वो 1.672 × 10⁻²⁷ × 6.02 × 10⁻²³। तो 1.672 × 6.02 × 10⁻⁴ kg आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट 9.6 आ जाएगा, है ना, 9.6 × 9.7 g × 10⁻⁴ kg। ग्राम में पूछे तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। बात क्लियर? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अभी फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम ही करवा रहा हूं,
देखो अगर मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए सम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 6 ग्राम C12, ये दे रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करना है C12 के 6 ग्राम में। ये देखो ये 6 ग्राम चेंज हो जाता है एग्जाम में, ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट तो C12 पे जाके है, और वो भी क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, C12 दे रखा है इसका एटॉमिक नंबर तो फिक्स होता है 6। चलो मैंने कहा प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 12 - 6 6, इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर 6। चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का सम करो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 आएगा, ये लो। अगर इसका मतलब ये हुआ 1C12 एटम होता है तो 18 होते हैं कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यही बात हुई। अगर ये 1 मोल होगा तो इसका मतलब 18 मोल हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, 18 मोल होगा और यहां पे 6 ग्राम दे रखा तो मोल कैलकुलेट कर लो साइड में, ये लो मोल कैलकुलेट हो गया गिवन अपॉन ये 0.5 मोल आ जाएगा। तो मैंने कहा 0.5 मोल अगर C12 होगा तो कितना हो जाएगा 18 × 0.5 मोल हो जाएगा, इसका मतलब 9 मोल हो जाएगा। नंबर पूछे तो 6.02 × 10⁻², आप तो 6 कंसीडर करें 54 × 10⁻²³ हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, समझ में आ रही है बात, ये सब कुछ होने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखो, ये मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखा दिए, अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखो। चलो कितने हो गए 6 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गए थे, ये लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा दे दिया, जैसे 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, सिंपल सा है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है पूछा प्रोटॉन कितने होंगे। तो मैंने कहा देखो एक बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक कैल्शियम है, 3 एक कार्बन एटम है और 3 क्या है ऑक्सीजन एटम है, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, ये लो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1 कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैल्शियम में 20 कार्बन में 6 इसमें 3 × 8 = 50 प्रोटॉन, क्या हो जाएगा 1 कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 50 प्रोटॉन, ये इक्वेशन बैठने वाली, अगर ये इक्वेशन बैठने वाली है तो जब 1 मोल होगा तो इधर मोल लिखा तो इधर भी मोल लिख दो 50 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे। बेटा ये साइड में 20 ग्राम दे रखा है इसके मोल कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो इधर मैंने साइड में मोल कैलकुलेट कर ली 20 / 100 मींस 1/5 मोल, तो मेरे को 1/5 मोल चाहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा 50 / 5 10 मोल प्रोटॉन हो जाएगा, और 10 मोल प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया 10 × Na, नंबर चाहिए तो 10 × 6.02 × 10⁻²³ 6 × 10⁻²² प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है बात, बोलो समझ में आ रहा है। आगे और देखो फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 8, अगर मेरे से ऐसा पूछ ले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 18 ml वाटर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है इन 18 ml वाटर के अंदर। अब देखो यहां पे सबसे पहले 18 ml दे रखा है तो लोग ये सोचते हैं एनटीपी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अरे बेटा एनटीपी देता तो भी कुछ नहीं होने वाला था,
ये तो वाटर है ना, तो वाटर तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लिए तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं 22.4 से डिवाइड करने वाला। याद करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी, जब रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा रहा था उस समय वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml है तो ये होगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसको मैंने पुट किया 1 ग्राम पर ml, ये मास कैलकुलेट होने वाला है। ये वॉल्यूम 18 ml अगर आपने रखा तो ml से ml हुआ कैंसिल, मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो जब भी वाटर दे रखा हो ना 18 ml दे रखा, तो ml हटा देना ग्राम लिख देना कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। 1000 ml दे रखा है, 1000 ml दे रखा तो 1000 ग्राम हो जाएगा वाटर वाले केस में, ठीक है। तो ये तो काम हो गया मास का। तो एक काम करूं साइड में मोल भी कैलकुलेट कर दूं सीधा, 18 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट करना है न्यूट्रॉन, तो H2O लिया, दो तो है हाइड्रोजन के एटम प्लस है एक ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1 1 8 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, 1 माइनस 1 0, तो 2 इंटू 0 प्लस इसके अंदर कितना होगा 8, तो ये 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे किसमें, 1 H2O में। अगर 1 मोल H2O होगा तो 1 मोल H2O होगा तो 8 मोल न्यूट्रॉन हो जाएगा। 8 मोल बोले मीन्स 8 Na, नंबर पूछे तो 8 × 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ या ना, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, न्यूट्रॉन को भी 1 काउंट कर लेते हैं, वो नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है बात, बोलो। अब अपन आगे बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर खूब सारे पार्ट होंगे, इस पूरे मूल कॉन्सेप्ट को जो है पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रिवाइज करने वाले, वो पूरे के पूरे मूल कॉन्सेप्ट को क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2.7 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले मीन C6H12O6। क्या क्या पूछा गया है, पार्ट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड पार्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, फोर्थ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नेक्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ एटम, नेक्स्ट पार्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेक्स्ट पार्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 7 पार्ट इसके अंदर पूछे गए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आपको बेसिक से एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो पॉज कर ले, सारे कैलकुलेट कर ले, आंसर मैच कर ले लास्ट में कि हाँ सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आपको नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इधर से नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा बेटा, गिवन मास, गिवन मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का एटॉमिक वेट बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना होता है, 180 मोलर मास। अगर इसका 180 है तो आप इसे सॉल्व कर ले, ये आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 × 10⁻², मीन्स 0.015 मोल आने वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट, एक एक लाइन का आंसर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मोल समझ में आ जाता है आपको, कैलकुलेशन करना आ जाती है, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, उसके बाद बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, बेसिक मैथ्स अप्लाई करनी है 8, 9, 10 में पढ़ते हो, जो ऐसा सोचना ही नहीं कि 11, 12 की मैथ्स है ये, तो 8, 9, 10 की मैथ्स अप्लाई करनी है ना। अब वो मोल आ गया, अब कोई जरूरी नहीं है इसी सिक्वेंस में क्वेश्चन पूछे, इसमें से कोई भी पार्ट पूछ लेगा। तो देखो अगर सीधा ये पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अगर सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता तो
अब मैं तो कैलकुलेट कर लूंगा, देखो 0.015 मोल आ गया, मोल को एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता सीधा, फर्स्ट वाला अपन कैलकुलेट नहीं करते, तो मास और मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन होता है, 2.7 डिवाइड बाई 180, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एन ए, तो भी तो यही आएगा। तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.015 इंटू एन ए हो जाएंगे, एन ए की वैल्यू पुट कर देना अगर जरूरत हो तो। नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप तो ये सोचो कि अगर वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता तो कार्बन के एटम कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन एटम हो जाते हैं। अगर इसका एक मोल होता तो मैंने कहा 6 मोल हो जाते कार्बन के एटम के, ठीक है, और मेरे पास मोल कितने हैं, 0.015 मोल है ग्लूकोज के, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको बस, तो कितना हो जाता 90, ये होता, बोलो, कार्बन एटम, इतने मोल कार्बन एटम हो गए। नंबर चाहिए, ये लो नंबर हो गया। अगली प्रॉब्लम देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा गया है, इसका मतलब ओ नहीं पूछा गया, ओ टू के बारे में पूछा गया है ना, तो ओ टू का रिलेशन बनाओ। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, वन मोल अगर ग्लूकोज होगा तो इसमें 6 ऑक्सीजन है ना, तो 3 ओ टू हो जाएंगे, 3 मोल ओ टू हो जाएंगे, बोलो मेरे पास कितने 0.015 मोल ही तो है, तो 3 × 0.015 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर अब मेरे से ये पूछ लिया जाए नंबर कितना होगा, तो एनए से मल्टीप्लाई कर देना। चलो आगे, टोटल नंबर ऑफ एटम, एक C6H12O6 ले लो, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कार्बन के 6, 12 किसके हाइड्रोजन के, प्लस 6 किसके ऑक्सीजन के, टोटल कितने आ गए, 24 एटम आ गए। वन मोल होगा तो 24 मोल एटम हो जाएगा, कितना मोल दे रखा है, तो इसका मतलब 24 × 0.015 मोल एटम हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, ये आएगा, ठीक है, पढ़ोगे तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आप पुट करते जाना है ना, 6 नंबर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल अगर ग्लूकोज होता तो इसके अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो कितना ग्राम हो जाता, 12 ग्राम, वन मोल होता तो मेरे पास मोल कितना है, तो 12 × 0.015 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 12 × 15 कितना होता, 180, ये लो 180 हो गया, 3 के बाद में 0 लगाना है, ये लो 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया, ये ग्राम हो गया हाइड्रोजन। और बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 1 C6H12O6 अगर लेता हूं तो 6 कार्बन के एटम है, प्लस 12 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, प्लस 6 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 6 सही है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, 36 प्लस 48 इसका मतलब 84 होंगे न्यूट्रॉन। अगर 1 मोल ग्लूकोज होता तो 84 मोल न्यूट्रॉन होता, मेरे पास मोल कितने हैं, 0.015 मोल ग्लूकोज है, तो 84 × 0.015 मोल न्यूट्रॉन हो जाएगा। नंबर पूछा रहा बेटा अगर, तो मोल की जगह आप वैल्यू पुट कर देना एनए, क्या पुट कर दोगे, एनए, और इससे भी आगे नंबर चाहिए तो एनए की वैल्यू पुट कर देना, 6.02 × 10⁻²। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आए सातों पार्ट इसके समझ में, तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बोलो डाउट कोई, ओनली 4 पहला पार्ट कैलकुलेट करने के बाद इसी का यूज किया जा रहा है, जो पूछा जाए उसी के रेफरेंस में आपको सोचना है,
उसी का आपको क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक दो और देखो, इस टाइप के कर लोगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, 5×10⁻²० CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम 220 मिलीग्राम CO2। देन रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 के कितने मोल्स रिमेनिंग रहेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, किसमें से, 220 मिलीग्राम में से। एक काम करो ना, 220 मिलीग्राम CO2 में क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लो। तो 222×10⁻³ / 44, ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल, और यहां पे Na की वैल्यू रख दी मैंने 6×10⁻²। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे स्टार्टिंग में वो मालूम चलने वाला है। ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5, तो 30×10⁻²० मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग कितने रहेंगे, तो मैंने कहा रिमेनिंग ऐसा है कि 30×10⁻²- 5×10⁻², इसका मतलब 25×10⁻², ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मोल पूछा है, तो मोल रिमेनिंग कितने रहेंगे, तो 25×10⁻²/6×10⁻²³, तो ये अप्रोक्सीमेट 4.1×10⁻³ मोल आ जाएगा। तो वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप हो सकता है इसको अलग मेथड से कर रहे हो, मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसे भी कर सकते हो, इसके मोल कैलकुलेट कर लो, इसके मोल कैलकुलेट कर लो, इसके मोल में से इसके मोल को माइनस कर दो, ये भी तरीका हो सकता था। मैंने तो सिंपल सा ये किया, इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, ये आ गया, इसमें से इस मॉलिक्यूल्स को माइनस कर लिया, ये लो, तो सीधा लास्ट में जाके मोल आ जाएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देखो इस टाइप का। ठीक है, ये सारी बात अपनी हो गई किससे रिलेटेड, मोल से रिलेटेड। तो आज अपन ने बेसिक फंडामेंटल मोल सीखा है कि मोल को करना कैसे था। ठीक है, बात मोल कैलकुलेट करना आ गया, इस टाइप की प्रॉब्लम कर लोगे, खूब सारी प्रॉब्लम बनेगी आपको, मॉड्यूल में भी करनी है। आपको मॉड्यूल करने का तरीका बता दिया, स्टेज फर्स्ट देन लास्ट, स्टेज फर्स्ट देन लास्ट स्टेज, बस इसी सिक्वेंस में चलना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले है एटॉमिक मास यूनिट, AMU की बात करेंगे, AMU की डेफिनेशन, फिर उसके बेसिस पे अपन बात करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तीन लेक्चर हो गए, फोर्थ वाले लेक्चर में AMU वगैरह की बात करके प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल्स आगे और करेंगे, रिएक्शन के बेसिस पे, और फिर स्टोकियोमेट्री वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक करें अच्छे से साथ में नोट्स बनाते हुए, और प्रॉब्लम को सॉल्व करें आप खुद भी, जब देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर ले और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें और लास्ट में अपना आंसर मैच कर ले, तो टाइम भी वो का वो लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख ले। ठीक है, चलो यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।